मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में मनाई महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर मेघावी छात्र छात्रा अलंकरण समारोह दिनांक 28 सितंबर 2019 जीटी रोड स्थित अरियान पार्टी हॉल खतौली में संपन्न अखिल भारतीय सर्ववेश एकता महासभा खतौली मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संचालन किया चिराज सिंघल ने। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति की, डांस सिंगिंग हारमोनियम से अपने अपने एक्ट प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए, अपने विचार रखे। प्रोग्राम में मेघावी छात्र छात्राओं को अलंकरण समारोह में शील्ड देकर सम्मानित किया गया व एक्ट करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया व छात्र छात्राओं के पेरेंट्स भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अखिल भारतीय सर्ववेश एकता महासभा के अध्यक्ष अंकुर सिंघल, नगर अध्यक्ष विपिन कंसल, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष अंकित तायल, महामंत्री शिवम अग्रवाल, महामंत्री चिराग सिंघल, अन्य लोग शामिल। यह थी मुजफ्फरनगर से राजीव शर्मा के साथ बिलाल अख्तर की खास रिपोर्ट। बेहतर से खूब खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर, अरे शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहे, पत्थर तलाश एक बाजू। महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया, जी किस प्रकार का कार्यक्रम? पूर्व संध्या कटौली में आर्यन पार्टी लोन में वैश्य समाज का छात्र छात्राओं का अलंकरण समारोह रखा गया है। ये हमारा कटौली में कई वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें हम कटौली के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान करते हैं। किस प्रकार के एक्ट हुए हैं प्रोग्राम कार्यक्रम में, किस प्रकार के बच्चों ने किस प्रकार के एक्ट? बच्चों ने हमारे यहाँ बहुत 98% तक नंबर लाए हैं। एक बच्चा खतौली का तो सीए की परीक्षा पास करिए, पूरे इंडिया के अंदर इंडिया टॉप 10 के अंदर आया है खतौली का बच्चा। ये हमारे खतौली और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें। इस प्रकार का एक प्रस्तुत किए हैं बच्चों ने आज? बच्चों ने आज बहुत अच्छे अच्छे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम करे हैं। आज कौन कौन शामिल हुआ है? आज हमारे बहुत सारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, लखनऊ से, दिल्ली से, मुजफ्फरनगर से, जिसमें मंत्री जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, एमपी भी हैं, काफी सारे हमारे मंत्री आए हुए हैं। ये प्रोग्राम हर साल होता है? ये प्रोग्राम कटौली में हर साल होता है। अखिल भारतीय सर्ववेश युवा वैश्य महासभा की टीम कटौली में भी करती है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम हमारे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में वैश्य समाज का 70% योगदान है, बिना किसी शख्स के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सौदे बात। वैश्य समाज पूरी तरह से 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है और भारत माता के साथ है। भारत माता को विश्व के शिखर पर पहुंचाना चाहता है, उसके लिए 24 घंटे तत्पर है। टैक्स के माध्यम से, आर्थिक संपदा के माध्यम से भारत भारत के खजाने को भरने का काम करता है। और ये वो समाज है जिसे कभी तलवार के बल पर धर्मांतरण करने का काम नहीं किया। मैं अपने युवाओं से आह्वान करूंगा कि राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़े।